आज हम एक 30,000 मेगापिक्सल की फोटो खींचने वाले हैं, वो भी बस एक स्मार्टफोन कैमरे से। हमने पहले 10,000 मेगापिक्सल की फोटो खींच रखी है, बट उसके लिए हमने बड़े बड़े कैमरे का इस्तेमाल करा था। 5,00,000 रुपए का बड़ा सा कैमरे का सेटअप जिसमें लंबे लंबे लेंसेज हैं, और उससे 10,000 मेगापिक्सल की फोटो आई। हम उसको 3 गुना करने वाले एक स्मार्टफोन के साथ। इस फोटो को लेने के लिए हमने महीनों की रिसर्च करी, 14,000 किलोमीटर ट्रैवल करा, 3 कंट्रीज में अलग अलग जगह जाके चीजें फिगर आउट करी। इसके लिए हम फोन और एक ट्राइपॉड के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज करने वाले, एंड ये इस चैलेंज को और भी ज्यादा टफ बनाएगा। सोच तो लिया 30,000 मेगापिक्सल लेंगे, बट फोन से 1,000 मेगापिक्सल लेने में भी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि हमने कैमरे से 10,000 मेगापिक्सल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लिया था, 3-4 बार फेल हो गया था। पर आप सोचोगे अब तो 200-200 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, अब तो आसान सा ही होगा, अब क्या दिक्कत होगी यार। बट अगर 30,000 मेगापिक्सल की फोटो लेनी है तो आपको हजारों छोटी छोटी फोटोज लेनी पड़ेंगी, उन सबको जोड़ के एक बड़ी फोटो बन पाएगी। जैसे अगर मैं वाइड में लूंगा तो भाई 2-4 फोटो में मैं पूरा फ्रेम फिल कर सकता हूँ, इसीलिए हमको फुल जूम करके टेलीफोटो लेंस से एक्चुअल सारी फोटोज लेनी पड़ेंगी, ताकि बहुत सारी हाई क्वालिटी फोटोज को जोड़ के हम एक तगड़ी फोटो बना पाए। हम दिक्कत क्या है 100-100 मेगापिक्सल कैमरा इसके साथ कि ये बस वाइड में आता है, ये टेलीफोटो लेंसेज में नहीं आता। ज्यादातर फोन के 5x और 2x वाले कैमराज 12 से 16 मेगापिक्सल के होते हैं, तो इसलिए टेलीफोटो लेंस से खींचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए हमको एक फोटो बनानी है। जैसे ये एक बड़ी फोटो है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये सारी अलग अलग फोटोज हैं, एंड ऐसी हजारों फोटोज आप लोगे उससे जाके हमारी एक बड़ी फोटो बनेगी। तो ये हमारी फोटो है। हमारे पास जो मोबाइल है उसके अंदर है 12 मेगापिक्सल, क्योंकि टेलीफोटो में इससे ज्यादा आता नहीं, एंड हमको चाहिए एक फोटो जो हो 30,000 मेगापिक्सल। तो अगर मैं बस डिवाइड ही कर दूं तो भाई 3,000 तो मिनिमम फोटोज चाहिए जिनको जोड़ के बनेगी, और इनमें हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, वेदर भी नहीं चेंज होना चाहिए, सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, लोग नहीं हिलने चाहिए, और दिन से रात होगी तो आधी फोटो दिन की आधी फोटो का। तो हमको सही टाइम पे स्टार्ट करना, ताकि वेदर भी सेम रहे, टाइम भी सेम रहे, अंधेरा भी सेम। एक ट्राइपॉड चाहिए होगा, एक फोन चाहिए होगा, और एक बहुत ही सुंदर प्यारी जगह। हमने चेरा पूंजी जाके ली, इस बार हम जा रहे हैं श्रीलंका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बीच में। लेट्स गो, लेट्स गो। भाई मैच के बीच में तो हम फोटो लेना भूल ही गए थे। शुरू हुआ था तो भाई एक्साइटमेंट बहुत ही आती, हमने सोचा था भाई मैच के बीच में ले लेंगे, बट उतने में ही बारिश आ गई। तब याद आया कि भाई अब बारिश में ही फोटो ले लेते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत ना हो जाए। तो हम लग गए फोटो लेने, थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कितनी आ पाएंगे। इतनी दूर आ गए भाई, हमने फोटो तो ले ली, बट कुछ भी भाई एडिट करने के लिए नहीं था। होपफुली भाई फ्यूचर श्लोक संभाल लें। फाइनली भाई हमने फोटो ले लिया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, और अब टाइम आ चुका है इसको भाई अलग अलग लैपटॉप, सारे लैपटॉप हमने एक एक करके ट्राई करे। ये वाला M1 MacBook Pro, ये भी M1 MacBook, वो Mac Studio, वो मैक मिनी, यानी इन सब पे ट्राई करके देखा, बट सब अटक जाते हैं, कुछ 10% पे, कुछ 15% पे। पिछली बार हमने इस बड़े वाले पीसी पे भी करा था, बट इस बार भाई की दिक्कत क्या होगी, ये चलना बंद हो गया, तो अब हमको कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा, बस पड़ा डब्बे की तरह। हमें गेमिंग लैपटॉप लिया है जिसमें i9 3090 ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रखी, बट ये उस कंप्यूटर से डबल से ट्रिपल टाइम दे सकता है। पिछली बार से हम ज़्यादा बड़ी फोटो भी बना रहे हैं, कंप्यूटर सस्ता वाला है। भाई देखो, ये मैच की हमने इतनी सारी फोटोज ले रखी है, यानी मैं स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। तो हमने 800-900 फोटोज खींची 6 घंटे के रेंडर के बाद, हमारे पास फाइनली 1000 मेगापिक्सल की फोटो आ चुकी है। ये है हमारी पहली फोटो। ये देखो, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, इस पार से उस पार आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि भाई हाँ ठीक है, 2.5 मिलियन ग्रैंड फिनाले। जैसे मैं जूम आउट करता हूँ भाई, बहुत तगड़ी लग रही, मतलब
ये आप एक्चुअली देखोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल है। ICC लिखा हुआ है, एशिया कप लिखा हुआ है, ये जो पूरा बॉक्स है कितना क्लियर दिख रहा है। और जैसे जैसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ आप देख पाओगे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ी फोटो है। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब तगड़ी है फोटो। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज आपको खुद भी दिखाऊँ, 52,000 × 21,000 मेगापिक्सल, तो ये 1 GB है। GB मतलब गीगापिक्सल, इसका मतलब 1070 मेगापिक्सल। बड़े एक फायदा इस मैच का ये था कि ये वाला मैच 2 दिन चला था। तो हमने दूसरे दिन सेम फोटो ली, काफी क्लियर दिख रहा है भाई, बट मैं आपको जूम आउट कर देता हूं। ओ ये पूरा स्टेडियम फुल डिटेल में कैप्चर कर लिया गया। थोड़ा सा ऑफकोर्स आप नोटिस करोगे आड़ी टेढ़ी आ रही है फोटो, क्योंकि ये मल्टीपल फोटोज को स्टिच करके बनाई। इस फोटो में दिक्कत यह है कि चीजें मूव हो रही थी, तो कहीं कहीं क्रिकेटर्स के पास पैर हैं, कहीं कहीं क्रिकेटर्स पता नहीं क्यों मिट्टी के अंदर घुस गए। ये देखो सोडा पी रहा है मिट्टी में बैठ के। इसके मेगापिक्सल देखते हैं, ये है 48,000 × 29,000 पिक्सल्स, इसका भी कैलकुलेट करेंगे 1400 मेगापिक्सल। हमारी लाइफ के लिए काफ़ी एक बड़ा मोमेंट था, सारी मेहनत करने के बाद भी 1000 मेगापिक्सल की आ पाई। हमने ली थी भाई 1000 फोटोज, बट बारिश हो रही थी, चीज़ें इधर उधर बदल रही थी एंड बहुत सारी दिक्कतें थी कि अंदर आप ट्राईपॉड नहीं ले जा सकते, आप इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते, आप ज़्यादा देर एक जगह खड़े रहोगे तो धक्का धुक्का मार देगा। बट तब भी भाई इतनी मेहनत करने के बाद बस 1000 आई है, 30,000 आ भी पाई कि नहीं ये नहीं पता। क्या करें भाई, भाई लग तो रहा था कि एटलीस्ट 10,000 तो आई, क्योंकि ट्राईपॉड था नहीं, 30,000 तो मुश्किल ही था। 2 दिन हमने खराब कर दिया। वैसे ये फ़ोटो लेना हमारा एक बहुत ही बड़ा सपना था, क्योंकि यूजुअली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच इतने भरे होते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो लेना बड़ा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे लकीली हमारे पास जगह थी लेने की। जब हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली रेंडर कर रहे थे, हर यहाँ के लैपटॉप की हालत टाइट हो गई थी, एंड जब रेंडर होके वो मेगापिक्सल का अकाउंट दिखाना तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा फील हुआ था। बट हम हार नहीं मानेंगे भाई, हम फोटो ले करेंगे, 30,000 जब तक नहीं आएगी ना तब तक। बट बेसिकली मैं ऐसे बताता हूँ कि फट रही है थोड़ी, बड़ा हम हार नहीं मानेंगे। एक और तगड़ा चांस है पास्ट वाले लोग के पास, होपफुली भाई ने ले लियो फोटो। इस बार ट्राईपॉड लेके पूरी प्रिपरेशन लेके हम पहुँच चुके हैं श्री सिकरिया। यहाँ श्रीलंका में एक और बहुत ही खास जगह है, वो है राजा रावण की लंका। हमने इसके ऊपर पूरा व्लॉग बना रखा है और मैं पर्सनली स्टोरी से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूँ, हिस्ट्री और कल्चर से। हम इतनी दूर श्रीलंका फ्लाइट लेके सब आए हैं, बट दिक्कत ये है कि अगर फोटो आई भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम भाई अभी होटल रूम जाके वापस आके ले लें फोटो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, आज फ्लाइट है। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, एक वन शॉट में हमको फोटोज लेनी पड़ेंगी एंड होप करना पड़ेगा कि भाई फोटोज सही से आ जाए। तो भाई लेट्स गो। इन फोन्स में ना जैसे हमने पिक्सल लिया, पिक्सल की कैमरा हमारा बहुत अच्छा है, बट इसमें दिक्कत यह है कि बोलते हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा, बट होता क्या है सारा जुगाड़ उगाड़ मार के सब जो एक्चुअल फोटो निकलती है वो 12 मेगापिक्सल की निकलती है, एंड हमको पूरा जूम मार के 5x पे हमको फोटोज खींचनी, क्योंकि 5x पे हम बहुत छोटे छोटे जूम इन ऐसे बहुत सारे फोटोज लेंगे तभी जाके हम जोड़ के एक बहुत तगड़ी फोटो बना सकते। तो हमने पता नहीं क्यों मेरे को ध्यान था कि भाई 5x 48 मेगापिक्सल निकलेगी, बट 5x पे 12 मेगापिक्सल निकल रही, तो हमको 4 गुना ज़्यादा फोटोज़ खींचनी पड़ेंगे। 500 सोच के आए थे, 2000 फोटोज़ में बनेगी। मैं अभी फोटो लेनी स्टार्ट भी नहीं करी, डिवाइस स्टोव टू हॉट आ गया, गर्मी इतनी है यहाँ पर, पता नहीं कैसे लेंगे, फ़ोन भी नहीं टिक पा रहा इतनी गर्मी में। देखते हैं 3-4 ट्राई करते हैं, मैं 4-5 फ़ोन और भी लेके आया हूँ, उन पर भी ट्राई करेंगे, क्या पता उनसे आ जाए, बट दिक्कत तो है, डिवाइस टू हॉट आ रहा है। हमको फोटो खींचते हुए 1 घंटा हो चुका है और जसकीरत भाई अभी फोटो खींच ही रहा है। कितने हो गए मैं फोटो, अब तो हो गई होंगी भाई 300 तो ले चुका हूँ मैं, और अभी तक मैंने बस आसमान लिया, मैं उसके जो पहला पेड़ है ना, पहला पेड़ अब आया है मेरी फोटो में। अच्छा, तो मतलब जंगल ऊपर से नीचे ऐसे फोटो लेते हैं, तो अभी तक हमने इतना ले लिया आसमान से यहाँ तक, बट इसके नीचे का हो रहा है, मतलब 2000 फोटोज तो हो रही। फोन हो रहा है गरम क्योंकि भाई धूप में इतनी देर जस्सी की हालत हो रही है टाइट।
1631634 1600 फोटो लिए भाई। ये देखो फोटो खत्म ही नहीं हो रही, ऊपर से स्क्रॉल करूँ मैं खत्म ही नहीं हो रही। ये देखो ओहो, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ खत्म। और ये एक एक करके हाथ से लिया भाई ने। अब इसमें हाथ की भाई की हालत हो गई है टाइट, ऐसे करके दिखा मसल आ गई है भाई साहब। बढ़ेगा थोड़े से, 2 इंच तो बड़े भाई साहब भाई के। मैंने देख बड़ा भाई फोटोज डेफिनेटली भाई पिक्सल से खींची हैं, अच्छी फोटोज आनी चाहिए। एंड थोड़ा मेगापिक्सल इसमें कम था इसलिए और हो गया। स्टोरेज भी 100% पर 99% स्टोरेज फुल हो गई है, बैटरी हो गई एकदम 6% और हालत हम सब की, मेरी हम सब की नहीं वैसे, जस्सी भाई की हो गया टाइट। हमने तो रिलैक्स किया छाव में सैंडविच का। 3 घंटे लगे हमको सारी फोटोज खींचने के। फ्यूचर श्लोक बचा दें, कुछ कर दो इन फोटोज का, कुछ तगड़ा सा बना। फाइनली भाई जस्सी भाई ने इंफॉर्मेशन आ गई हमको, सीक्रेट हमारी फोटो हो चुकी है रेंडर भाई। ओ मैं ज्यादा एक्साइटेड भाई, जस्सी भाई ये बता दो मिलनी होना क्या, देख लो भाई यार हुई नहीं क्या रेंडर, देखो तो सही। पिछली बार हमारे पास थोड़ी सी कम फोटोज थी बट इस बार भाई ये देखो भाई स्क्रॉलिंग ही नहीं खत्म हो रही है, मजा आ जाएगा। इससे निकल सकती है, इससे एटलीस्ट 5-6 हज़ार मेगापिक्सल तो भाई निकल ही सकती है। बहुत सारी इमेजेस हैं। मैं मतलब डर लग रहा है बट मेरे को कॉन्फिडेंस इस बात का है, हमारे पास ट्राइपॉड था, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी एंड सारी चीजें ऑप्टिमम लेवल पे थी। और हमने होपफुली जस्सी भाई ने फोटो सही खींची और मेहनत से तो खींची थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग लग रही भाई, बंदा सही दिख रहा है भाई। मैंने अगर आप फोटो देखो तो इसमें भाई ये देखो, मैं जूम करके अगर आपको देखा कि काफी कूल सा लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं पेड़ दिखाऊं जूम करके, ओहो भाई पेड़ की टहनियां दिख रही है, पीछे जो हट है ना इसको जूम करके हट के अंदर देखो, हट के अंदर अंकल जी क्या कर रहा है। ये मैं आपको बोर्ड पे पढ़ के दिखाता हूँ, ये देखो एकदम जूम करता हूँ। अरे ये देखो आधी आधी फॉरनर भी आ गई, ये देखो आप बोर्ड पे एक्चुअली पढ़ सकते हो भाई ये, और जूम आउट करो दिख भी नहीं रहा भाई। कोई तो है थोड़ी तगड़ी है बट 7000 मेगापिक्सल है, मतलब फुल 30000 वाला तो नहीं आ रहा उसमें भी। फोटो तो अच्छी है, ये तो बहुत मेहनत है। ये ट्राइपॉड वाइपॉड सब लगाया था ना, सब था, स्काई भी सही था, ट्राइपॉड भी था। मैच में दिक्कत थी बट इसमें पता नहीं क्या हो गया। 150 GB की फोटो हमने खींची है, 7000 मेगापिक्सल, मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए 7000 मेगापिक्सल की फोटो खींच पाना बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत एक मुश्किल टास्क है भाई। इतनी मेहनत के बाद 7000 बनी है बस, मेरी बट रही है। तो भाई मैं आपको सीधा बताता हूँ, इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं बट मेरे ख्याल से वीडियो को भी डालेंगे, क्योंकि 30000 का हमने टारगेट लिया था, वीडियो पूरी 30000 सोच के बनाई है ना बन पाएगी। एंड इससे पहले हमने 10000 मेगापिक्सल बना रखे, तो 10000 मेगापिक्सल से कम डालने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है बहुत तगड़ी फोटो बट फ़ायदा नहीं है। जब हमारा अटैम्प्ट फेल हुआ तो मुझे लगा कि आप पता हमने कम फोटोज ली हो, तो मैंने सोचा कहीं अगर मैं दोबारा कहीं जाता हूँ तो मैं दोबारा ही रिट्राई करूँगा, ज़्यादा फोटोज लूँगा और अच्छी फोटोज लूँगा। हमने श्रीलंका में 20000 मेगापिक्सल की फोटो लेने की कोशिश की थी, वो फेल हो गई थी। तो अभी हम आए थे हांगकांग और यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू है, उसकी सोचा मैं 20000 मेगापिक्सल फोटो लूँ। एक बार चलते हैं सेटअप तो कर लिया है ये पूरा, लाइक एक ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड पे बॉल हेड है और ये पूरा व्यू। बट एक दिक्कत है यहाँ पे भी ना, ये बादल बहुत ज़्यादा आज मूव कर रहे हैं, बादल मूव कर रहे हैं, ये शिप्स आ रही हैं, तो व्यूज़ एकदम स्टैटिक नहीं है। बट थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इन बादलों और ये शिप्स वगैरह जो ये मूव करने से, कि लाइक बिल्डिंग्स के बीच में आ गई या कुछ हो गया, तो देखते हैं कैसे होगा। लेट्स गो, देखते हैं कि निकलती है। तो जब हम हांगकांग गए हमने ट्राई करा इससे भी ज़्यादा फोटोज़ लेने का और बहुत सारी निकाली, बट एक दिक्कत हो गई, मैंने पैनोरामा निकाल दिया था एंड वो वाली फ़ोटो बहुत वियर्ड सी निकली थी, जिसके अंदर अजीब अजीब पैचेस आ रहे थे एंड कुछ ज़्यादा स्टिच करने के लिए था नहीं, एंड वो फ़ोटो बहुत अनयूजेबल सी बेकार सी आई थी और वो भी कुछ 10000 मेगापिक्सल के आसपास आई थी, तो उसको भी हमें स्क्रैप करना पड़ा। इसमें हमने अलग अलग टाइप की फोटोज पूरा प्लान प्लॉट करके हमने खींची बट कोई वर्क नहीं करी, मैक्सिमम 7000 मेगापिक्सल तक पहुंची। बट हमको याद है कि हमने एक
छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था ZTE के बैकअप फोन से एंड एक 360 फोटो हमने खींचने का सोचा था। अभी तक हम सारी सामने सामने की फोटोज ले रहे थे, हमने इस वाले फोन के अंदर पूरा एक 360 व्यू कैप्चर करने का सोचा। तो हम भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो पूरा ही एक 360 व्यू है। इससे एक फायदा ये होता है आपको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाता है एक फोटो को खींचने के लिए। हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो हमारा ट्राइपॉड गिर सकता है। थक तो गए, फ्लाइट भी आज मिस हो सकती है बड़ी। चलो भाई चले भाई, जैसे नीचे लिया था सिमिलर पूरा यहाँ से एंड हम वहाँ पहाड़ों तक जूम कर पाएंगे, इतना लेके चल रहे हैं। सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा था ऊपर नीचे आगे पीछे सारी फोटोज खींच के क्या करेंगे, यानी एक एक्सपेरिमेंट था तो हमने उसको रेंडर भी नहीं करा था। बट लास्ट में जब सारी चीज़ें वर्क नहीं करी तो हमको याद आया कि यार इसको भी करके देख लेते हैं, एंड इस फोटो का रेंडर हमारा निकला 35,000 मेगापिक्सल्स का। करने में i9 वाले लैपटॉप को शाम से सुबह लग गई, 14 घंटे के बाद ये फोटो दिखी और वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल। तो भाई फाइनली 35,000 मेगापिक्सल की फोटो हो चुकी है रेंडर, और ये वही वाली फोटो है जो हमने रेंडर ही नहीं करी, हम भूल गए थे। भाई मेरे को एक्साइटमेंट हो गई। बेसिकली हमारे पास दो फोन थे, एक हमारा प्राइमरी फोन था एक सेकेंडरी फोन था, एंड सेकेंडरी फोन से हमने बस ऐसी एक रैंडम फोटो ले ली थी तो हमको पता भी नहीं था कि आएगी भी ये आएगी, और आएगी भी तो पता नहीं कैसी वीड सी आ जाएगी। बट फाइनली हमारी 35,000 मेगापिक्सल की फोटो फाइनली हमारे सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो, रुको मैं दिखाता हूँ एक साइड इमेज का। अगर आप साइज देखोगे तो 180,000 by 180,000 पिक्सल्स की ये फोटो, 34 गीगापिक्सल्स की एक फोटो है, पूरी एक 360 फोटो है। एंड इसमें आप, मैं देखो पेड़ थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो पेड़ जैसे मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ ना, पेड़ की पत्तियां दिख रही हैं, चिड़िया दिख रही, चिड़िया के अंडे दिख रहे हैं कौन से कलर के। देखो मैं आपको ना थोड़ी देर डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा दोस्त बैठा है प्रनेश चौरे, मैं दिखा तो दिख भी नहीं रहा होगा, वाइट छोटी डॉट है भाई, क्या है पता नहीं, कुछ दिख भी नहीं रहा। ये देखो जूम इन करके दिखा रहा हूँ वो, ये देखो मैं जूते का ब्रांड दिखाता हूँ, ये रुको जूते पे फोकस करता हूँ, मैं तो उदास बैठा हूँ कि भाई फोटो आई नहीं हमारी, बट ये देखो भाई जूते का ब्रांड भी दिख रहा है कौन सा है यार भाई। ओवरले स्टूडिंग भाई, ये देखो क्या क्लियर दिख रहा है भाई, जो वाइड शॉट है उसमें दिख भी नहीं रहा प्रनेश, प्रनेश के कपड़े भी दिख रहे हैं, जूते भी दिख रहे हैं, जूते का ब्रांड दिख रहा है, कपड़े का नाम दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा तगड़ा यार भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ा यार, तो इमेजिन नहीं कर रहा था भाई, इतनी तगड़ी फोटो मैंने कभी पूरी लाइफ में नहीं देखी। मेरे को लग रहा था फोटो आ नहीं पाई, हमने फेल कर दिया। ये देखो टोपी वाले अंकल है, टोपी वाले अंकल तो दिख ही नहीं रहते हैं भाई। देखो पत्थरों का टेक्सचर आप देख सकते हो कैसे कैसे दिख रहा है, काफी अलग सा लग रहा है। ये तालाब भी दिख रहा है, यहीं पे रावण जी स्नान करा कर रहे थे। ये देखो सिंहासन, साइड वाली दीवार देखो काफी अलग सी लग रही है। यार हम जो भी चीज करते हैं हमारा गोल होता है कि हम कुछ नेक्स्ट लेवल ही करें। बेसिकली कैमरा हर पर्सन के पास नहीं होता, बट हर पर्सन अपने पास जो चीजें हैं उससे बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हैं। इस टाइप की फोटोज आप किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जिसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस है उससे आप ले सकते हैं। हम इस टाइप की नेक्स्ट लेवल चीजें इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग भी शायद देख के इनसे थोड़ा इंस्पायर हो पाए, एंड आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें कर पाए। प्रनेश भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी फोटो है। एक्चुअली ये फोटो 200 TB की है। नहीं 200 की तो नहीं होगी, नहीं 200 TB क्या बात कर रहे हो, अपना सर्वर कितना बड़ा है, 100 TB, मतलब दो सर्वर चाहिए इसको रखने के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि 20,000 मेगापिक्सल खींच पाए, तो मुझे पता था कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितनी होगी 100 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल 100 200 मेगापिक्सल 300 ये 35,000। ओ भाई लोग भाई कुछ ज्यादा ही क्लियर दिख रहे हो अभी आप।
भाई मैं ना वैसे सही बताऊं तो फेलियर्स में ना दुख बहुत होता है कि हम जब एकदम एक इमोशनल मोमेंट जो हमने पूरा प्लान करा होता है उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बट फाइनली जब आउटकम निकलता है तो हमारी प्लानिंग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो जाती है। एंड कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी भाई सक्सेसफुल हो जाता है, ये भी जीवन की तरह। जब एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, चारों फोटोज भाई फेल हुई, होप तो छोड़ दी थी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। हमने लाइक करते रहते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हम हांगकांग में ले गए थे सेटअप की, कुछ ट्राई कर लेंगे, बट ठीक है भाई कभी कभार जो चीजें इमेजिन भी नहीं करी होती वो हो जाती हैं। इसमें प्रेश आपको दिख रहा है कहीं पे? प्रेश कहीं दिख रहा फोटो में तो भाई कहीं मैं रुक जाऊं, दिखाता हूं प्रेश भाई आपको, दिखाता हूं। पेड़ पे बैठे हैं? नहीं पेड़ पे नहीं, ये प्रेश है भाई। जूते का ब्रांड दिख रहा है भाई। भाई कैसे किए भाई? वो लेस के कपड़े भी थे भाई। कैसे लग रहे हैं भाई? फोटो सही है, बहुत ही क्रेजी है। वो बहुत ही क्रेजी है यार, कुछ ज्यादा ही क्लियर है भाई। डॉट भी नहीं दिख रहा था, एनहांस करी उसके बाद? नहीं कुछ भी नहीं करा भाई, बस स्टिच हुई है। तो हाँ ये बस स्टिच हुई है फोटो, हजारों सालों बाद एलन मस्क के वो देख रहे होंगे फोटो। वाओ एक टेक बन रहा है, माँ इतनी मेहनत कर रहा था बट टेक बनने से क्रेडिट ले गया। वो इस फोटो को स्पेस में भेज सकते हैं, सर्वर भाई बस 200 टीवी का सर्वर भेजना पड़ेगा स्पेस में। उम्मीद नहीं थी कि इतना जूम करने में इतना क्लियर दिखेगा। हमने 3,000, 2,000, 5,000 की बहुत सारी फोटोज निकाली, एंड 7,000 की हम देख रहे थे तो हमको लगा यार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी निकल जाएगी, बट 35,000 मेगापिक्सल हमने देखा, हमारी हालत टाइट हो गई। मेरे को लगा भी नहीं था इतनी बड़ी फोटो ली जा सकती है एक फ़ोन से, बट हो गया भाई एंड मैं बहुत खुश हूँ भाई। हमने ना कैमरे में करा था और हमारी हालत टाइट हो गई थी, रेंडर करने में, फोटोज खींचने में, ट्राईपॉड पे सेटअप करने में, बड़े बड़े लेंसेज, प्रोफेशनल इक्विपमेंट लगा के बहुत मुश्किल था। फोन से लेने में इसका 3 times बेटर करने में बहुत ज्यादा ट्राई लग गया, और पिछली बार तो हमको आता भी नहीं था इतने अच्छे से। इस बार हमको आता था तब भी हमारी हालत टाइट हो गई थी हर बार। एक सिंगल रेंडर लगाने में भी भाई हमको 6 to 8 hours लगते थे। हाँ भाई मतलब ये काफी एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए, बट भाई मजा है। आई होप ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपको भी मिले, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा थ्रिल मिले। तो भाई हमारी 35,000 मेगापिक्सल की फोटो फाइनली आपको हमने दिखा दी, एंड ये हमारे लिए काफी एक इमोशनल मोमेंट है, एंड हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि इस जर्नी में आप भी हमारा पार्ट रहे। हमने जितनी नेक्स्ट लेवल चीजें करी वो सब आपने होते हुए देखी, एंड आई होप आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें करें। तो हम मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।